और अभी भी कुछ डाउट्स हो तो डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप का यूज़ करो, बिल्कुल सिंपल है। फ़ोटो खींचो, क्रॉप करो और सेंड करो, जस्ट 3 सेकेंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और हाँ, सिक्स क्लास 6 to 12 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नेट, IIT, JEE, मेंस, एडवांस और डाउट्स का भी सफाया डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। यह है प्रश्नावली 6.4 कक्षा 8 गणित, हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों सेम ही है, लेकिन मैं हिंदी मीडियम में कराऊंगा। इसमें 3 क्वेश्चन है। पहला है निम्नलिखित संख्याओं का वर्गमूल भाग विधि से करना है, दूसरा है बिना गणना के करना है, और तीसरा है आपके निम्न संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना है पॉइंटों वाली। देखो, लगभग सभी क्वेश्चन 4 डिजिट के हैं, 4 या 3 डिजिट के हैं। बस एक दो क्वेश्चन ही है जो शॉर्ट विधि में पूछे गए हैं, उसमें आपके नंबर ज़्यादा है, जबकि आपके जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है वो हमेशा 4 डिजिट से ज़्यादा नहीं आता है। तो आपको मेन जो फोकस है वो 4 डिजिट पर ज़्यादा करना है। यहाँ पर भले ही लिखा हुआ है 5 डिजिट है, यहाँ पर 6 डिजिट है, लेकिन ऐसे एग्ज़ाम में नहीं आते। एग्ज़ाम में 2, 3 या 4 डिजिट का आता है, तो 4 डिजिट तक आपके आ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं आता है। अब हमें इसमें 2 विधियाँ हैं, एक है बिना गणना के और एक आपको वर्गमूल को भाग विधि से करना है। देखो, पहले हमें शॉर्टकट मेथड सीखना पड़ेगा, चाहे ये विधि है चाहे ये। पहले मैं क्वेश्चन नंबर सेकंड करवा रहा हूँ, सेकंड को भी ऐसे ही कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, इतने सारे क्वेश्चन हैं। मैं पहले कराऊँगा आपको शॉर्टकट मेथड से, उसे अच्छी तरह से सीखना है आपको, और फिर मैं बताऊँगा भाग विधि। तो सारे क्वेश्चन को मैं थोड़ी देर के लिए करवाता हूँ, शॉर्ट विधि से करवाता हूँ, फिर मैं करवाऊँगा आपको भाग विधि से। तो पहला नंबर दे रखा है 2304, इनका मैं करवाऊँगा पहले। और क्वेश्चन कोई भी हो, ये पॉइंट यहाँ है, पॉइंट हमेशा 2 नंबर के बाद ही आएगा आपके, तो यहाँ पॉइंट हो भी सकता है और नहीं भी। मैं दोनों बताता हूँ, पहले आपको बताता हूँ शॉर्ट ट्रिक में कैसे करते हैं। तो इसका आपको वर्गमूल निकालना है, इसके लिए कम से कम आपको 10 तक तो याद होना ही चाहिए, ज़्यादातर आपके एग्ज़ाम में 4 डिजिट का ही आएगा। तो पहले मैं ये क्वेश्चन कर रहा हूँ, यहाँ ऐसा होता या फिर ऐसा होता, पॉइंट आ सकता है, पॉइंट हमेशा 2 नंबर के बाद ही आएगा, नहीं तो पॉइंट के बाद में भी आपको पैर बनाने पड़ते हैं। इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो है ना आपके, ये एक पैर बन गया और एक ये बन गया, पॉइंट के इधर बन, पॉइंट के उधर बनता है ऐसे पैर और इधर से बनता है ऐसा पैर, इधर ऐसे जाना पड़ता है, उधर वैसे जाना पड़ता है। अब यहाँ पर देखो, इनका यूज़ करना है, पहले आपको शॉर्ट ट्रिक मैथड बताता हूँ आपको। इसमें आपको 2 ग्रुप करने हैं, एक ये वाला है और एक आपके ये वाला है, इसमें 2 नंबर्स है आपके। जैसे हम घनमूल में अपनाते हैं शॉर्ट ट्रिक, वैसे हमें वर्गमूल में अपनाना है। तो इसको हमें मानना है फर्स्ट पैर मानना है, और इसको मानना है हमें सेकंड पैर। इसमें आपको देखना है यूनिट डिजिट, मतलब इकाई का अंक देखना है, और इसमें आपको पूरा नंबर देखना है। सबसे पहला देखो, आपके स्टेप फर्स्ट लेते हैं, पहले कैसे करते हैं मैं शॉर्ट ट्रिक में बता रहा हूँ। इसे इसके अंदर फर्स्ट में आपके नंबर लिखा हुआ है 04, इसमें आपको ये देखना है इकाई का अंक। तो यहाँ पर आपके इकाई का जो अंक है वो दे रखा है आपके 4। अब ये ध्यान रखना है, हमारे पास ये नंबर दे रखे हैं और ये लाने हैं, हमारे पास ये तो है हमारा वर्ग और ये है हमारा वर्गमूल, तो हमें यहाँ से यहाँ लाने हैं। तो यहाँ पर पीछे 4 है, तो मतलब यहाँ पर पीछे 4 किस्म आ रहा है आपके, ये 4 आपके यहाँ भी आ रहा है और यही 4 आपके यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब है 4 का उत्तर 2 भी हो सकता है और 8 भी हो सकता है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि वर्गमूल का इकाई का अंक, वर्गमूल का इकाई का जो अंक है वो क्या होगा, 2 या फिर 8, 2 या 8 में से कुछ भी हो सकता है, क्योंकि पीछे 4 है ना, तो पीछे 4 2 में भी आते हैं, पीछे 4 आपके 8 में भी आते हैं, तो ये थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपको लेना है सेकंड स्टेप लेना है, सेकंड में दे रखा है आपके 23 दे रखा है। तो ये जो 23 है, ये पूरा नंबर देखना है, ये पूरा नंबर कहाँ पर आता है, ये पूरा नंबर यहाँ पर आता है। तो ये जो 23 है वो 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच आता है, ये बड़ा है ये छोटा है, ये बड़ा है ये छोटा है, ऐसे लगातार नीचे जा रहा है, डाउन पे डाउन हो रहा है।
तो ये तो है आपका 16 और इधर है आपका 25। अब हमेशा इधर वाला ही वैल्यू आपको लेना है, तो हम क्या करेंगे, ये ध्यान रखना है कि आपको वर्गमूल का दहाई का अंक है, दहाई का अंक क्या आएगा आपके, ये इधर वाला जो है ना, ये इधर वाला वैल्यू आएगा, तो ये हो जाएगा 4। तो हमारा उत्तर या तो है 42 या है 48। अब उत्तर देखो, ये या तो पीछे क्या बताया ना, पीछे 2 भी हो सकता है 8 भी हो सकता है, पीछे वाला नंबर 2 भी हो सकता है 8 हो सकता है, लेकिन अगला अंक तो आपके 4 फिक्स है। अब उत्तर आपका 42 है या उत्तर आपका 48 है, वो यहाँ पर देखने पर मालूम चलेगा। इधर गैप आपके है 7 का और इधर गैप है आपके 2 का, तो ये जो 23 है ना, ये 23 25 के ज़्यादा नज़दीक है। मतलब इधर ज़्यादा नज़दीक है, तो उत्तर भी आपके इधर वाला होगा, तो हमारा आंसर हो जाएगा 48 हो जाएगा। ऐसा ये शॉर्ट ट्रिक मेथड है। देखो ये तो मैंने पूरा लिख के बताया है, और अगर आप कहीं कंपटीशन एग्जाम दे रहे हो तो शॉर्ट में देख सकते हो कि 4 है तो 2 या 8 आएगा, फिर आपको यहाँ पर नंबर देखना है कि ये नंबर किसके बीच में आता है, 23 यहाँ आता है तो ये 4 और 5 हो गया, 4 आंसर ले लेंगे। ज़्यादा क्लोज इसके है, इधर ज़्यादा क्लोज है, बड़े नंबर की ज़्यादा क्लोज है, तो हमें उत्तर बड़ा वाला लेना पड़ेगा 48। एक दो क्वेश्चन और लेते हैं हम ऐसे। तो ये तो आपके हैं शॉर्ट ट्रिक विधि, अब इसे करते हैं भाग विधि से करते हैं। जैसे हमें मालूम है कि इसका उत्तर कितना आया है आपके, 48 आया है, तो यहाँ पर आपके 4 4 और यहाँ पर आएगा आपके 8 8। वैसे देखो थोड़ा शॉर्ट बताऊँ आपको, यहाँ आएगा 4 4 और यहाँ आएगा आपके 8 8। इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ 8 आएगा, इन दोनों को जोड़ोगे तो यहाँ पर 176 आएगा। कितना आता, 86, 96 आएगा। ऐसा लिखना पड़ता है कि ये जो नंबर है ना 4 8, तो 4 4 8 8 लिख दो। अब देखो आपके यहाँ पर है नंबर कितना है, 2304 है, तो हम यहाँ लिखते हैं 2304, फिर जोड़े बनाएंगे। अब 4 × 4 होता है 16, इधर जोड़ना पड़ता है इधर घटाना पड़ता है, तो यहाँ आएगा आपके 7 और फिर ये 0 4 उतार देंगे, फिर इनको इससे गुणा करेंगे ना, जैसे यहाँ गुणा किया 7 16, यहाँ गुणा करेंगे 704 आएंगे। 8 को पहले 8 से करना है, फिर 8 को ऐसे 8 से करना है, और यह आएगा 0। और इसका आधा, या फिर ये लिखा हुआ है 4 और 8। अब पूरा करेंगे, अगर पूरा कैसे करना है, मेथड से करना हो तो कैसे करते हैं, ऐसे पहले हमें जोड़े बनाने पड़ेंगे। अब यहाँ 23 है, तो 23 कहाँ आ रहा है, 23 आ रहा है 4 के स्क्वायर और 5 के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, हमें छोटा वाला लेना है 4 का स्क्वायर, मतलब 4 यहाँ भी लिखना है 4 यहाँ भी लिखना है, और 4 4 हो गए 16, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, जोड़ने पर यहाँ होता है 8 और घटाने पर यहाँ आता है 7। अब ये पूरा जोड़ा यहाँ उतार देंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर ट्राई करना है रफ में, 1 1 लेंगे 81 आएगा, 2 2 लेंगे तो यहाँ पर आएगा आपके 4 और 16, ऐसे आपको चेक करते रहना है। 3 3 लेना है, फिर आपको 4 4 लेना है, ऐसा लेना है कि इसके नंबर के क्लोज पहुंच जाए। तो हमारे पास है 8 8, अगर ये लेते हैं ना, जैसे 7 7 लेना पड़ता है 8 8, सब ट्राई करना पड़ेगा, आपके ऊपर डिपेंड है, तो ऐसे ट्राई करेंगे। तो इनको इसे गुणा करेंगे, 4 8 8 64 का 6 64 और 6 होते हैं 70, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, हमारा उत्तर होगा 4 और 8, ये हो गया आपके 48। ऐसे करना पड़ता है। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे। जैसे ये नंबर दे रखा है, इसका अगर आपको उत्तर निकालना है तो पहले आपको बनाने पड़ते हैं पैर। अब पीछे 9 कहाँ आता है, पीछे 9 आता है एक तो 7 का स्क्वायर करने पर आता है, और कहाँ आता है आपके 9 का स्क्वायर करने पर, तो नहीं आएगा 7 का करने पर आता है, या 3 का स्क्वायर करने पर भी 9 आता है। तो इसका मतलब है आपके इसका जो उत्तर है या तो रहेगा 3 या रहेगा आपके 7, दोनों में से कोई एक रहेगा। अब ये 44 कहाँ आता है, ये पूरा नंबर देखना पड़ता है ये वाला। अब ये पूरा नंबर आता है आपके 7 का स्क्वायर होता है 49,
तो 6 का स्क्वायर और 7 के स्क्वायर के बीच आता है आपके 44। इसका मतलब छोटा वाला उत्तर होगा आपका। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, या तो होगा 63 या होगा 67। अब आंसर कौन सा राइट है, तो यहाँ पर तो 7 का स्क्वायर होता है 49 और यहाँ होता है 36, तो इन दोनों के बीच में जो गैप है वो तो है आपके कितना, 7 का गैप है, 8 का गैप है, और इधर कितना गैप है, 5 का। ज़्यादा किसके नज़दीक है, उधर वाले के। तो उत्तर भी आपका उधर वाला ही होगा, बड़ा वाला उत्तर होगा। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 67। आप चेक कर सकते हो, या फिर देखो ये तो थी आपके शॉर्टकट मेथड। अब मैं करवाता हूँ आपसे भागफल विधि, कराता हूँ भाग विधि से करवाता हूँ। देखो यहाँ पर, और ये जो नंबर है, जोड़ा बनाना पड़ेगा पहले। ये जो नंबर है किसके क्लोज आता है, 6 के स्क्वायर, 6 6 दो बार लिखना पड़ेगा, 6 इंटू 6 होते हैं 36, यहाँ जोड़ेंगे और यहाँ घटाएंगे, जोड़ने पर होता है यहाँ पर 12 और घटाने पर यहाँ आता है आपके कितना, 8। अब ये आता है 89। अब देखो यहाँ पर आपको एक एक लिखना है, या दो दो लिखना है, या तीन तीन लिखना है, आपको चेक करना पड़ेगा। पीछे 9 है तो या तो आएगा 3, देखो या तो आएगा आपके 3 3, या आएगा आपके 7 7। अगर 3 3 लेते हैं तो ये आता है आपके 3 या 9 12 या 36, कम हो गए, जबकि हमें ये नंबर चाहिए। तो 7 7 लिख दो, यहाँ पर 9 हो जाएंगे और यहाँ हो जाएगा आपके 84, 84 और 4 हो जाएंगे आपके 88। इधर जोड़ना है, इधर घटाना है, घटाने पर 0 आएगा और जोड़ने पर आएगा आपके 134। 134 का अगर हम आधा करते हैं ना तो ये आता है 67, या फिर यहाँ लिखा हुआ है 6 और 7। ये तो है भाग विधि और ये है आपके शॉर्टकट विधि। देखो अगर ए नंबर है तो इसका जो वर्गमूल है ना, इसका वर्गमूल हमने निकाला कितना आया आपके 67। और अगर यहीं पर अगर पॉइंट होता तो इसका आंसर क्या आता, दो पैर बन गया ना, इसका एक नंबर, इसका एक नंबर, बीच में पॉइंट, इसका आंसर आएगा 6.7। अब ये वाला नंबर है आपके, इसमें देखो आपके पीच दो पैर बनाने हैं पहले, इसमें लास्ट नंबर 5 है, तो 5 का तो एक ही नंबर है, 5 का 5 और कुछ है ही नहीं, तो यहाँ पर आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। और ये जो 56 देर का है वो आपके 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। 7 का मतलब 49 गुण 50, 8 का मतलब 64। ये छोटा है ये बड़ा, यहाँ पर हमें तुलना करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट छोटा वाला नंबर आपको लिख देना है। और अगर इसे हम भाग विधि से करते हैं 56 25, तो पहले जोड़े बनाएंगे। 56 का आता है 7 का स्क्वायर, 49 8 का ज़्यादा हो जाएगा तो 7 का लेंगे आप। इधर आपको गुणा करना है तो हो गया 49, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, जोड़ने पर होता है आपके 14 हो जाएंगे और यहाँ घटाने पर कितना आता है आपके, घटाने पर आएगा 7, और तो कोई आता नहीं, 7 ही आएगा आपके। फिर क्या करते हैं, ये नंबर उतार लेंगे, पूरा पूरा जोड़ा उतार लेंगे। अब पीछे 5 है तो यहाँ भी पीछे आपको 5 मानना ही पड़ेगा, दूसरा तो 5 आएगा नहीं आपके, तो गुणा करने पर आता है 25, फिर 2, फिर 72 और 2 कितने हो गए आपके, 7, 5 और 2 7 हो गए। यहाँ जोड़ेंगे यहाँ घटाएंगे, यहाँ 0 आ जाएगा और यहाँ पर हो जाएगा 150। 150 का जो आधा है ना वो होता है 75, या फिर यहाँ से लिख दो 7 और 5, यहाँ से भी लिख सकते हैं। अब ये नंबर है 7921, तो पीछे एक इसमें आता है, 1 का स्क्वायर करने पर भी 1 आता है और 9 का स्क्वायर करने पर भी पीछे 1 आता है। इसका मतलब यहाँ पर या तो 1 आएगा या फिर यहाँ पर 9 आएगा, दोनों में से कोई 1 आएगा पीछे वाला। अब इससे ये जो नंबर है ना, 8 का स्क्वायर होता है 64, 9 का होता है 81, तो ये 8 के स्क्वायर और 9 के स्क्वायर के बीच आता है। इसका उत्तर क्या हो जाएगा आपके, 8। तो हमारा जो आंसर है या तो है 81 या है हमारा 89। अब देखो 88 का स्क्वायर जो है ना वो है 64 होता है, यहाँ पर है 79 और ये दे रखा आपके 92।
यहाँ पर अंतर है आपके 15 का और यहाँ पर अंतर है आपके 13 का, इधर कम अंतर है, इसका मतलब हमारा उत्तर इधर वाला होगा। अब आप कहोगे हर बार आप इधर वाले बताते हैं, इधर वाले, तो इधर वाला भी आपको बता देते हैं। जैसे ये नंबर दे रखा है 1024, अब इसमें बनाएंगे हम जोड़े, तो क्या होगा कि इसमें आपको पीछे का अंक देखना है चार। अब जो चार है ना, तो दो का स्क्वायर करने पर भी चार आता है और आठ का स्क्वायर करने पर भी पीछे चार आता है। इसका मतलब इसके हिसाब से हमारा उत्तर दो हो सकता है या फिर आठ हो सकता है। अब यहाँ पर 10 है, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, इनके बीच आता है, हमारा उत्तर हो जाएगा यहाँ पर आपके 3। नीचा उत्तर है ना, कम वाला उत्तर लेंगे हमेशा, तो हमारा आंसर क्या होगा, या तो आएगा 32 और यहाँ आएगा आपके 38। अब उत्तर कौन सा राइट है, 32 राइट है या 38 राइट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 3 का स्क्वायर होता है 9 और 4 का होता है 16, बीच में देर का है 10। तो यहाँ पर जो ये वाला लिखा है मैंने, अब यहाँ पर देखो गैप है 1 का, यहाँ पर गैप है आपके 6 का, ज़्यादा नज़दीक कौन सा है आपके, ज़्यादा नज़दीक है ये इधर वाला, तो उत्तर भी इधर वाला लेंगे, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 32। यस, इसको आप भाग से भी कर सकते हैं। तो जोड़े बनाएंगे दो दो के, 10 कहाँ आता है, 3 का स्क्वायर, तो 3 दिया हो गए 9, इधर जोड़ेंगे इधर घटाएंगे, तो 3 और 3 कितने हो गए आपके 6, घटाएंगे कितना आएगा 1, अभी 24 यहाँ आ जाएगा। या तो लिखो यहाँ पर 1-1 एक्स्ट्रा होता है, दो दो लिखते हैं तो 2 2 4, 6 2 12, इधर जोड़ना है इधर घटाना है, यहाँ होगा 0 और ये 64, 64 का जो आधा है वो होता है 32, या फिर यहाँ से लिख सकते हो 3 और ये 2। अगर यहाँ पर ऐसा होता 10.24 होता तो हमारा इसका जो वर्गमूल होता वो होता 3.2, ये ध्यान रखना आप, यहाँ पर अगर पॉइंट होता तो 8.9, ऐसे ध्यान रखना। अब जैसे आपके पास ये नंबर आ गया 900, एक जोड़ा ये रहा दो का, इधर हमेशा दो का ही बनेगा, इधर जाना पड़ेगा आप, ऐसा यहाँ कुछ नहीं है तो कुछ भी मान सकते हो। तो इसमें आपको लास्ट अक्षर देखना, जीरो, जीरो किस में आता है, 0 का स्क्वायर करने पर ही 0 आता है, या फिर 10 का स्क्वायर कर लो, 0 है तो 0 आएगा, ये ध्यान। तो यहाँ पर इससे हमें 0 ले लिए। अब 9 कहाँ पर आता है, 9 आपके 3 का स्क्वायर डायरेक्ट लिख सकते हो, ये 3 का स्क्वायर है, 9 का डायरेक्ट लिख सकते हैं, ये 3 का स्क्वायर, ये तभी होता है ऐसा डायरेक्ट जब यहाँ पर 0 आता है। अगर 0 नहीं आता ना तो ऐसे बताते कि ये 3 के स्क्वायर और 4 के स्क्वायर के बीच में, ऐसा बोलते। तो हमारा इसका जो 900 का जो वर्गमूल है वो आ जाएगा आपके 30, और अगर यह 9.00 होता तो इसको हम लिखते 3.0 या फिर ओनली 3 भी लिख सकते हैं। अब ये तो है आपके शॉर्टकट विधि, अब है आपके भाग विधि भी है और गुणनफल विधि भी है। तो 900 है तो 9 का क्या होता है 3, 3 का स्क्वायर, 3 इंटू 3 कितने हो गए आपके 9। अब यहाँ पर आपको जोड़ना है और यहाँ आपको घटाना है, जोड़ने पर आता है 6, घटाने पर आता है 0। ऐसा क्या नंबर लिखूँ कि नंबर इससे आगे नहीं जाए, 1 लिख दूँ तो भी आपके ज़्यादा चला जाता है 61, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर 0, यहाँ पर भी 0, 0 को 060 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपके 0 ही आएगा, इधर जोड़ना है इधर घटाना है, तो यहाँ हो गया 60 और यहाँ हो गया 0, और 60 का आधा होता है यहाँ पर आपके 30, ऐसे। और एक विधि और भी है, वो है आपके गुणनखंड विधि, पीछे 0 है तो 2 का भाग जाएगा 450, फिर 2 का भाग दो आधा कर दो 225। अब यहाँ पर 2 2 4 5 9 होते हैं, 3 का भाग दे सकते हैं, 7 बार जाएगा 1 बच गया, 5 बार जाएगा, फिर 3 का भाग दिया 2 बच गए, 2 बार जाएगा 1 बच गया, फिर 5 बार जाएगा, फिर 5 का भाग दो 5 बार जाएगा, फिर 5 का दो तो 1 बार जाएगा, दोनों में से 1 2 लेना है, इन दोनों में से भी 1 लेना है, इन दोनों में से भी 1 लेना है,
और तीनों को आपस में गुणा कर दो, दो तिया छः, छः पंजे कितने हो गए आपके 30, ऐसे कर सकते हो। अब ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा, ऐसे ही आउट ऑफ कोर्स सिलेबस दे रखा है, जैसे ये वाला भी कर सकते हैं ऐसे। ये जो नंबर है ना वो पाँच, इसके पीछे पाँच है तो यहाँ भी पाँच आएगा। अब ये जो नंबर है ये कहाँ पर आता है, ये आता है आपके 20 का स्क्वायर, चार ज़्यादा हो जाता है आपके 17 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर और 16 के स्क्वायर के बीच में आता है साइड। 16 होता है 256, तो 16 का और 17 के स्क्वायर के बीच में आता है। 16 का होता है 256, 17 का होता है 289 और इसका होता है आपके 256। इसका मतलब इसका उत्तर ये होगा छोटा वाला 16। इसमें भी ऐसे ही कर सकते हैं हम, 25 का होता है 5, पीछे से जोड़ा ले। अब ये पूरा लेना पड़ेगा आपको, शॉर्ट ट्रिक से करना है तो। भाग विधि से भी कर सकते हैं आप, तो मैं भाग विधि से भी इसको करवा सकता हूँ। अब देखो 40 का 1600 होता है, 60 का होता है 3600। अब ये शायद आपके 60 से भी बाहर जाएगा, 364 होता है। मैं अभी आपको बताता हूँ, इसे भाग विधि से करके दिखाते हैं इसको। 39025, तो ये हो गया है 39 06 25। इसको हम भाग विधि से करते हैं, शॉर्ट विधि से तो नहीं होगा ये ऐसा नंबर, तो आपको ऐसे तीन बार बनाने पड़ेंगे। तो पहले आपको ये वाला पैर, फिर ये वाला पैर और फिर ये वाला पैर लेना पड़ेगा। अब 39 का मतलब होता है 6 × 6 36। इधर तो जोड़ना है इधर घटाना है, तो पहले जोड़ो तो 12, घटाओ तो 3, ये लिख देंगे यहाँ पर 06। अब यहाँ पर हम इसकी तरह डायरेक्ट नहीं ले सकते कि 0 लेना है कि 1 लेना है, तक अब यहाँ पर आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि 12 है तो पहले 1-1 ले लूँ, 121 होता है, 2-2 ले लूँ, 2×2=4, 12×2=24 होता है, फिर अगर मैं 3-3 लेता हूँ तो 3×3=9, 12×3=36 होता है, ज़्यादा हो गया, तो मुझे क्या लेना पड़ेगा 2-2, तो 2 इधर 2 इधर। अब दोनों को गुणा करेंगे तो ये होता है आपके 244, 244 इधर जोड़ना पड़ेगा इधर घटाना पड़ेगा, 122 और 2 होते हैं 124, और यह घटाओ तो 6 में से 4 गए 2, 30 में से 24 गए 6। अब ये 25 पूरा यहाँ आ जाएगा, पूरा जोड़ा उतरता है हमेशा, जोड़ा ही उतरता है हमेशा, ये ध्यान रखना। अब पीछे 5 है, यहाँ भी हमें क्या मानना पड़ेगा 5, और गुणा करने पर ये आएगा आपके 5×5=25, 2×20 और 2×22, 2×60 और 2 कितने हो गए आपके 62, ये जोड़ने पर आता है 1250। अब 1250 का आधा होता है आपके 625, या फिर यहाँ से ले लो 6 2 5। अब इसका शॉर्ट ट्रिक में अगर करते हैं ना, तो ये तो 25 का क्या होता है 5 पीछे, अब ये जो नंबर है ना वो 62 के स्क्वायर और 63 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमारा उत्तर हो जाएगा 62। ये थोड़ा टफ होता है, इतना बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है, हमेशा 4 डिजिट से ज़्यादा आपसे कभी नहीं पूछेंगे, 4 डिजिट तक ही पूछते हैं, और अगर पॉइंट आता है तो पॉइंट सिंपल है, ज़्यादा से इसका होता है 16, तो आपको पैर के हिसाब से ऐसे लेना पड़ता है, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, इसका होता है 56, तो पैर के हिसाब से बीच में पॉइंट आएगा, सब जगह बीच में ही पॉइंट आपके आने वाला है। जैसे इसमें होता है आपके 65, तो यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पॉइंट लग जाएगा। तो आपको दोनों तरीके सीखने हैं, आपको शॉर्ट ट्रिक भी सीखना है ये वाला, वर्गमूल ये वाला भी सीखना है भाग विधि, और ये वाला है आपके गुणनखंड विधि। अब बात ये गुणनखंड विधि, तो तीनों ही विधि आपको आनी चाहिए। अभी भी आपके मन में कोई भी डाउट है कैसा भी कि मुझे नहीं आ रहा है, इन क्वेश्चन में से पहला क्वेश्चन, दूसरा और ये तीसरा, आप अगर अच्छे से वीडियो देखोगे तो आपको पूरा क्लियर हो जाएगा, और फिर भी डाउट है तो आप डाउट नेट कर सकते हैं। और अभी भी कुछ डाउट्स हो तो डाउट नेट ऐप या व्हाट्सएप का यूज़ करो, बिल्कुल सिंपल है, फोटो खींचो, क्रॉप करो और सेंड करो, जस्ट 3 सेकेंड में इसका आंसर आपको मिल जाएगा। और हाँ, 6 क्लास 6 to 12 मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, नेट, IIT, JEE, मेंस, एडवांस और डाउट्स का भी सफाया डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करें और डाउनलोड करें। अगर मेरा ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो मेरे तीनों चैनल को सब्सक्राइब करो, और मेरे वीडियो को लाइक ज़रूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें, और व्हाट्सएप नंबर पर आपको कोई लिंक चाहिए वीडियो का
तो उसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, मैं आपको सारे वीडियो वहाँ पर शेयर कर सकता हूँ। अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब।